क्या हाल चाल आप सबके, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आप लोगों के बहुत मैसेज आए थे, मेल और फीमेल दोनों के, कि कुछ ऐसा वर्कआउट बताओ जो अपने घर पे ही 15 से 20 मिनट करके अपने आप को फिट रख पाए। देखो, क्योंकि हर किसी के लिए ना जिम जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि कई बार जिम जाने के लिए 15 मिनट चाहिए, आने के लिए 15 मिनट चाहिए, और 15 मिनट आपको रेडी होने में लग जाते हैं। जो लोग नॉर्मल फिटनेस चाहते हैं, मतलब एक अपने आप को रूटीन सेट करना चाहते हैं कि हाँ थोड़ी देरी वर्कआउट करें पर करें, तो उन लोगों के लिए वर्कआउट बता रहा हूँ मैं। आप लोग घर पे इसको ट्राई कर सकते हैं, 15 से 20 मिनट का वर्कआउट रहने वाला है। पर उससे पहले इतना ही बोलूँगा कि 5-10 मिनट की रनिंग लगा लीजिएगा, क्योंकि रनिंग बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी कंप्लीट वार्म अप हो जाए। और आज मैं बेसिक भी बताऊँगा, कुछ एडवांस भी बताऊँगा। अगर आप कंफर्ट हो पाए तो दोनों करना, नहीं तो आप बेसिक भी कर सकते हो। और एक और बात बोलूँगा, मेल और फीमेल इनको दोनों ट्राई कर सकते हो ताकि आप लोगों को दोनों को बेनिफिट मिले। सबसे पहले एक प्यारा सा वर्कआउट बता रहा हूँ, जंपिंग जैक सबको पता है, मैं करके नहीं दिखा रहा, फिर भी एक बार बताता हूँ। ये होता है, इसके आप 250 रेपिटेशन लगा लीजिएगा ताकि कंप्लीट एक फॉर्म में आ जाए बॉडी आप। तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, फीमेल्स अगर जो पुशअप्स नहीं लगा सकती वो नी पुशअप लगा सकती, नी पुशअप इस तरीके से, ये और मेल्स ये लगाएंगे पुशअप, पूरे लगाने, पूरे हाफ नहीं लगाने, पूरा ऊपर आना है। इसके आप 4 सेट लगाएंगे, रेपिटेशन लगाएंगे आप 20, है ना। अब उसके बाद एक बहुत प्यारा वर्कआउट बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं आर्म वॉकिंग। ये आपके कंप्लीट बॉडी को इंक्लूड करता है। क्या करना है, इसमें आपको स्टेप रखने होते हैं। स्टेप कैसे है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही वापस आना है, 7 6 5 4 3 2 1। ये एक सेट है, इसके आप 20 लगाएंगे एक बारी में, और सेट लगाना 3। खुद देखना आप कितना प्यारा मजा है, क्योंकि कंप्लीट बॉडी को कवर करने वाला है। इसमें आपके आर्म्स भी आ जाएंगे, आपकी बैक भी आ जाएगी, और आपके ग्लूट्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। दूसरा ये है, तीसरा क्या करना है, इसी का एक नेक्स्ट वर्जन बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत एडवांस है ये। ये उन लोगों के लिए है जो अपना कंप्लीट फैट कम टाइम में रिड्यूस करना चाहते हैं। देखो क्या करना है, इस बार हमने किया था आर्म वॉकिंग, इस बार अपने करेंगे लेग वॉकिंग। क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 6 5 4 3 2 1। ये एक सेट है, इसके आप सिर्फ 10 ही लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंटेंस है। क्योंकि देख रहे हो मेरी भी बैंड बन चुकी है, क्योंकि मैंने अभी 40 से 45 मिनट का कार्डियो किया है अपने, उसके बाद आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखो इसके बाद क्या करना है, इसको बोलते हैं फ्रंट रेस विद आर्म्स के साथ, डंबल नहीं है अपने पास यहाँ, ये 1 2 3 4, ठीक है। एक हाथ से आपको 20 लगाने, दूसरे हाथ से 20 लगाने, टोटल रेपिटेशन हो जाएंगे कितने, 40। सेट कितने लगाएंगे आप, 4। और देखो पूरे में रेस्ट ले सकते हो आप, 10 से 15 सेकंड का रेस्ट कम देना है, क्योंकि अपने यहाँ फैट बर्न कर रहे हैं, तो ज़्यादा रेस्ट नहीं देना है बॉडी को। अब इसके बाद क्या है, बहुत प्यारा वर्जन है माउंटेन क्लाइंबर का, इसको जरूर ऐड करना। लगाना कैसे तरीका बताता हूँ, देखो आप लोग माउंटेन क्लाइंबर यूँ लगाते हो, पर आज जो मैं तरीका बता रहा हूँ, देखो ये इस तरीके से लगाना है, कंप्लीट स्लो फॉर्म में लगाना है, फास्ट नहीं लगाना, स्लो में लगाना है। जब भी लगाओ अपने एब्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। 4 सेट लगाने हैं, एक तरफ 15, एक तरफ 15, टोटल कितने हो गए, 30। सेट कितने लगाने हैं, 4। और एक आपको लास्ट बता रहा हूँ, ये इसको जरूर इंक्लूड करना, इसको बोलते हैं स्प्रिंट्स ऑन द प्लेस। क्या करना है, आपको एक ही प्लेस पे जितना फास्ट भाग सकते हो, जितना फास्ट भाग सकते हो, चाहे 5 सेकंड, चाहे 10 सेकंड, चाहे 15 सेकंड, ऐसे करके आपको 20 सेट लगाने हैं। पर एक बात याद रखिएगा, जब आप भाग लिए, स्पीड से भाग लिए, हो गया, स्पीड से भागने के बाद आपको रुकना नहीं है, आपकी बॉडी का मूवमेंट ये रहना चाहिए, बॉडी रुकनी नहीं चाहिए, आप स्लो हो जाए पर रुकना नहीं है, स्लो फास्ट ऐसे चलना है। तो ये था एक कंप्लीट छोटा सा वर्कआउट, जो लोग घर पे परफॉर्म करना चाहते हैं उसको परफॉर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस कौन सी चाहिए कमेंट करके बता देना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री राम, धन्यवाद, और सूरज से पहले उठा करो जिंदगी में कुछ कामयाब होना, तो राम राम।